नमस्कार, कर्मवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने पुस्तकालय सूचीकरण के बारे में और सूची के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय सूची के भौतिक अथवा बाह्य रूप। पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का उद्भव और विकास। पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप पर ग्रंथ के आकार प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जब ग्रंथ मृद पटिकाओं के लिए टैबलेट्स के रूप में होते थे तो पुस्तकालय सूची भी उसी स्वरूप में हुआ करती थी। इसी प्रकार जब ग्रंथ मुद्रित होने लगे तो मुद्रित पुस्तक स्वरूप रुचि का प्रचलन हुआ, परंतु मुद्रित सूची पुस्तकालय की प्रकृति और आवश्यकता से पग मिलाकर चलने में असमर्थ रही। अतः पुस्तकालय अध्यक्ष सदैव से ऐसे भौतिक स्वरूप की खोज में रहते हैं जो उनकी आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल हो। इसके फलस्वरूप लेपित कागज स्वरूप अथवा रक्षक पत्रक सूची, अनाबंद पुस्तक स्वरूप सूची, पुलिंद नुम्बा स्वरूप सूची आदि का विकास हुआ। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ सरदर्शी सूची, छिद्रित कार्ड, माइक्रोफिल्म, चुंबकीय फीता, चुंबकीय डिस्क, कंप्यूटर आदि का उद्भव और विकास हुआ। तो परंपरागत स्वरूप में पुस्तक या पंजिका स्वरूप, हस्तलिखित मुद्रित, पुलिंद नुमा और पत्रक, ये परंपरागत है। और आधुनिक स्वरूप में हम देखते हैं तो सर्वदर्शी स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप, मशीन स्वरूप, ओपेक स्वरूप, ये स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। हम आगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। श्रेष्ठ पुस्तकालय सूची प्रारूप के चयन के निर्णायक तत्व। सूची में आवश्यकता पड़ने पर प्रविष्टियों को उचित स्थान पर समाविष्ट किया जा सके अथवा निकाला जा सके। किसी भी शीर्षक से संबंधित समस्त प्रविष्टियां सूची में एक स्थान पर आ सके। सूची की पुस्तकालय के अंदर और अधिक संभव हो तो बाहर भी सुविधाजनक देखा जा सके। इसका निर्माण व रख रखाव में आसानी हो, व्यय कम हो, सूची कम स्थान घेरे, सूची टिकाऊ हो, ये उपयोगी सुलभ हो, सूची की प्रतियाँ सरलता से तैयार की जा सके, सूची से वांछित सूचना तत्काल प्राप्त की जा सके, ये इसके जो निर्णायक तत्व है। भौतिक सूची के भौतिक स्वरूप विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे परंपरागत स्वरूप, अपरंपरागत स्वरूप, या उसको हम आधुनिक स्वरूप भी कहते हैं। परंपरागत स्वरूप जिसे ट्रेडिशनल फॉर्म भी कह सकते हैं, इसमें हस्तलिखित, जैसे मान लो हम कोई भी किताबें लिखते हैं लाते हैं तो उनकी एक लिस्ट बना देते हैं छोटी सी डायरी पे, वो हस्तलिखित सूची हो जाती है। या उसको अगर हम मुद्रित करा लें तो मुद्रित सूची हो जाती है। पंजीका स्वरूप सूची जिसमें पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री संबंधित सूचनाएं या अनेक पंजिकाओं में लिख देते हैं और भविष्य में आने वाली पुस्तकों की उनमें प्रविष्टि करते चले जाते हैं। बड़े पुस्तकालय में अपनी सूचियों को मुद्रित करवा लेते हैं, उनको मुख्य सूचियां कहते हैं। भविष्य में आने वाली पुस्तकों की सूचियां मुख्य सूची के पूरक के रूप में प्रकाशित करते रहते हैं। अगला है पत्रक सूची। आधुनिक पुस्तकालयों में पत्रक सूची का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार फ्रेंच पुस्तकालयों ने किया। फ्रांस की क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी में पुस्तकालयों को पत्रक सूची की निर्मित करने का आदेश दिया गया। धीरे धीरे ये सूची यूरोपीय देशों में प्रचलित हो गई। एक है आपकी सूक्ष्म स्वदर्शी सूची, माइक्रोफॉर्म, जैसे कंप्यूटर के अंदर। सूची के स्वरूप में सूची की प्रविष्टियों को तकनीकी उपकरण द्वारा सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस सूक्ष्म रूप को आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। इसे पढ़ने के लिए माइक्रो रीडर की आवश्यकता होती है जो कि लघु रूप को विस्तारित करके पठनीय बनाता है। आगे आती है ओपेक, OPEC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये आधुनिक प्रचलन में बहुत ज़्यादा ये कंप्यूटराइज सारी सूची के आधुनिक स्वरूप में ओपेक सूची सर्वाधिक नवीनतम में परिष्कृत स्वरूप है। पुस्तकालय में उपलब्ध संभावित इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज की सहायता से पुस्तकों की सूची तैयार की जाती है।
इन सूचियों को कोई भी पाठक किसी भी स्थान पर कंप्यूटर की सहायता से सूची डाटाबेस को विभिन्न टर्मिनल जो मुख्य सर्वर से जुड़े होती है अर्थात कंप्यूटर पर बैठकर पुस्तकालय के विभिन्न विभागों से संपर्क कर सकता है तथा यह ज्ञात कर सकता है कि विशिष्ट शीर्षक या आख्या की पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं। पाठक या सूची का खोजकर्ता यह भी जान सकता है कि क्या ग्रंथ पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा किसी पाठक को निर्गमित अर्थात दिया गया है तो वह कब तक लौटाया जाएगा। इसी स्थिति में ग्रंथ को आरक्षित यानी रिजर्व भी करवा सकती है। तो इस तरह से कुछ सूचियों के बारे में हमने पढ़ा। इसका आप विस्तार से अपनी किताब में थ्योरी के लिए आप पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।